Welcome to All Indian NCERT SC 2019. This is test number 15. We have discussed 1 to 30 question already. This is question number 31. Malgudi Days was a television serial, Indian television series based on impressive work of R.K. Narayan. एक मालगुडी डेज एक नाम का टीवी सीरीज है और उनके जो किसके बेस पे है वो आर के नारायण ने. ठीक है, ये आर के नारायण के कुछ टाइम पर दिया हुई, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द करंट अफेयर, दैट वाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड. 31 का आंसर है ए, मालगुडी डेज रिलेटेड टू द आर के नारायण. 32 पर चलते हैं. हमारे पास संगाई डियर इज लिस्टेड ऑन शेड्यूल 1 ऑफ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग. पहली बात तो संगाई डियर जो है शेड्यूल 1 वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में रजिस्टर्ड है, पहली बात तो ये है. दूसरी बात कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है और रेड लिस्ट है IUCN के. तो इसके बाद कह रहा है दो पॉइंट दिए गए हैं. पहला हमारे पास दिया हुआ है कि इट इज़ अ स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर एंड फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट ओनली इन द मणिपुर. ये मणिपुर का स्टेट एनिमल है और ये मणिपुर में पाया जाता है, सही है हमारे पास. सेकंड, इंट्रोड्यूस ऑफ पैराग्राम्स इन संगाई रिजर्व बाय गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड रीऑक्यूपेट देयर पॉपुलेशन. संगाई रिजर्व क्या हमारे पास संगाई डियर से रिलेटेड है? गलत है. संगाई रिजर्व हमारा संगाई रिलेटेड नहीं है. संगाई रिजर्व का मतलब संगाई डियर के लिए नहीं है. ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही हो गया. संगाई रिजर्व जो हमारे पास है वो है हमारे पास फुमडी, देन हैबिटेट है हमारे पास फुमडी, जो एक तरह का फ्लोटिंग क्या कहते हैं ये आर्टिफिशियल रिजर्व है. ठीक है, एक तरह से फ्लोटिंग. ये पढ़ लो हमारे पास, संगाई फेजी थ्रेडिंग फ्रॉम द स्टेडली डिजनरेटिंग हैबिटेट ऑफ फुमडी एज अ रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूस इंडोगेशन एंड फ्लोडिंग कोजिड ड्यू टू द आर्टिफिशियल रिजर्वर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे पास तो उसका मतलब है संगाई रिजर्व का मतलब संगाई डियर से नहीं है, फ्यूडी से है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ. द ब्लू लेबर सर्टिफिकेशन ग्रांटेड बाय द मरीन स्टेट शिप काउंसिल एसेंशियल डिपेक्टेड डेट फूड शिप एज अ लेबर्ड ब्लू. ये कह रहे हैं कि जो ब्लू लेबल दिया जाता है वो किससे रिलेटेड है हमारे पास? मरीन स्टेफिड काउंसिल के द्वारा जो ब्लू लेवल दिया गया है वो किससे रिलेटेड है? सी फूड पे. वो हमारे पास है सी फूड एक्सट्रैक्टेड इन सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली वे. मतलब सी फूड जो जहाँ से फूड निकाला गया है वो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली वे से है. ठीक है, ये 33 का आंसर हमारे पास ए है, ब्लू कलर दिया जाता है इसके अंदर. 33 का आंसर है ए. 34 पर चलते हैं. विद रेफरेंस ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी है हमारे पास. पहला हमारे पास दिया इट इज़ फाउंडेड इन कलकत्ता बाई बीकामा. गलत है, बीकामा ने बनाया था सोसाइटी हमारे पास. फर्स्ट गलत है. मेन एम वाज प्रमोट टू स्टडी ऑफ एंशंट रिलीजन एंड फिलोसफी. बिल्कुल सही है. थर्ड हमारे पास क्या, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाज चूजन एज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डेट एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ देयर सोसाइटी. ये भी गलत है. तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो हमारे पास है वो किसके लिए थी? कि एंशंट रिलीजन फिलोसफी को प्रमोट कर सकें उसकी स्टडीज़ को. तो आंसर हमारे पास ए, 34 का आंसर है ए. 35 पे चलते हैं. द हुतीज बिगेन एज अ थियोलॉजिकल मूवमेंट प्रीसीडिंग प्रीस बट नाउ इज फाउंड देमसेल्फ अ सेंटर ऑफ देयर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट. वो कौन है? यमन क्राइसिस है हमारे पास. ठीक है, यमन क्राइसिस करंट अफेयर क्वेश्चन, इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन है हमारे पास. हुतीज बिगेन, हुतीज किससे लिया गया है हमारे पास? यमन क्राइसिस से. 33 का आंसर है बी. 33 पे चलते हैं हमारे पास. विद द रिफ्रेंस ऑफ द न्यू स्कीम प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र PMMSK कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट हमारे पास इज प्रोवाइडेड द नेशनल एंड स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर द वुमेंस. बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र हमारे पास सेंटर नेशनल एंड स्टेट रिसोर्सेज है हमारे पास महिलाओं के लिए. फर्स्ट हमारे पास सही हो गया. कम्युनिटी इंगेज्ड थ्रू द स्टूडेंट वॉलंटियर्स इज इन्वेस्टेड इन मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट. सही है हमारे पास. वन स्टॉप सेंटर बनाया गया बाय स्टूडेंट सेलेक्टेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर. वन स्टॉप सेंटर बनाया गया वॉलेंट्री स्टूडेंट्स का भी एक बैकवर्ड स्टेट के अंदर पार्टिसिपेशन है. थर्ड हमारे पास क्या, नेशनल स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर द वुमेंस ही बनाया गया. तो 1, 2, 3 आंसर हो गया डी. 37 में चलते हैं. द इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया फीचर्स ऑफ ए कंट्री द फोकस एवरी ईयर थ्रू दिस कैटेगरी प्रोमिनेंट फिल्म मेड बाय द कंट्री ऑन द फोकस ऑफ स्क्रीन एट IFFA गोवा 2017 विच ऑफ द कंट्री इज फोकस ऑन दिस ईयर. कनाडा. आंसर इसका कनाडा, सी याद कर लो. 37 का कनाडा. इंडियन मेंबरशिप फॉर द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट विल इंपैक्ट इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वेज. चलो हम EBRD के बारे में बात चल रही है. फर्स्ट हमारे पास है इंडिया कैन लीवरेज द टेक्निकल असिस्टेंस एंड सेक्टर नॉलेज ऑफ बैंक फॉर बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट इज प्राइवेट सेक्टर. सही है. सेकंड हमारे पास क्या है, इट वुड अनेबल द इंडियन नेशनल टू गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन बैंक. सही है. थर्ड हमारे पास इंडियन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, देखो ऑब्लिगेशन तो नहीं है, इंडियन फाइनेंस ऑब्लिगेशन टू EBRD वुड कम डाउन मेंबर रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम EBRD फ्रॉम फॉर देयर मेंबर्स. ये गलत है हमारे पास. ठीक है, ऑब्लिगेशन तो नहीं है इसके अंदर कि भाई वो से कि ग्रांट्स को रिसीव करेगा. इंडिया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वुड गेट अ बूस्ट. सही है. तो 1, 2, 4 हो गया. आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको सही लगेगा सब.
38 का आंसर हो गया। 35 9 पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग बॉडी डिसाइड द वेज पेज फॉर वेरियस राउंड्स ऑफ वेज नेगोशिएशन फॉर वर्कमैन इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज CPSE के अंदर वेज नेगोशिएशन कौन करता है? यूनाइटेड कैबिनेट। आगे बढ़ते हैं 40 पे। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म साल्ट टैक्स थ्रू आउट ब्रिटिश इंडिया डेट लेटर इंस्पायर द मूवमेंट लाइक ए सिविल डिसऑब्लिगेशन वाज एक्सेप्टेड विद लॉर्ड लिट्टन। उस टाइम हमारे पास कौन थे? लॉर्ड लिट्टन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। विद रिफरेंस टू द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी CCSE 2017 हैज बीन हेल्ड इन इंडिया। बिल्कुल सही है। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी वॉज लॉन्च विद द व्यू स्टेबलाइज इंटरनेशनल एग्रीमेंट एग्रीड रूल्स ऑफ द रोड फॉर बिहेवियर इन साइबर स्पेस। सही है। सेकेंड हमारे पास क्या है? CCSE इज अ टेकिंग प्लेस आउटसाइड OECD नेशनल फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही है। इस बार जब कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे पास OECD पहली बार हमारे बाहर हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? इंडिया के अंदर हुई थी। तो आंसर है इसका C 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 42। गिवन द इम्पोर्टेंस एंड पोटेंशियल मेडिसिनल प्लांट आयुष मिनिस्ट्री अलोंग द सर्टेन स्टेक होल्डर रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ रिव्यू द मीटिंग टू एग्जाम ड्राफ्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट। इट वॉज अ पॉइंटेड आउट मोस्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन इंडिया आर सोर्स्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। कि भाई आयुष ने कहा कि जितने भी मेडिसिन लोगे उसके सारे जब मई सोर्स होना चाहिए कहाँ से होना चाहिए? फॉरेस्ट से होना चाहिए। तो 42 का आंसर है सी। 43 पे चलते हैं। द लॉजिस्टिक सेक्टर हैज़ बीन ग्रांटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस बाय माय फाइनेंस मिनिस्ट्री। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस मूव फॉर दिस सेक्टर? फर्स्ट हमारे पास है इट बिकेम एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। बिल्कुल सही है, IIFCL। सेकेंड हमारे पास इट कैन नाउ एक्सेस सेंट्रल कमर्शियल बोरिंग विच इज़ अनअवेलेबल टू नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये गलत है हमारे पास। 43 का आंसर है ए। 44 चलते हैं। द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 एम्पावर्ड एज मजिस्ट्रेट टू सिक्योर अंडरटेकिंग फ्रॉम एडिटिंग ऑफ वर्नेकुलर न्यूज़पेपर डैट नथिंग वुड बी पब्लिश अगेंस्ट द इंग्लिश गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, इंग्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं निकाल सकते थे। ये हमारे पास वर्नेकुलर प्रेस था जिसके ऊपर क्या कहते हैं प्रेस के ऊपर पहली बार पाबंदी लगा दी गई। शट डाउन द इंग्लिश प्रेस स्टेबलाइज बाय द इंडिया। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। स्टॉप गवर्नमेंट फंडिंग टू इंडिया हाउस इफ इट डज नॉट एडर टू एडर गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग द रीच ऑफ न्यूज़पेपर टू रूरल एरिया। ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट आंसर हो गया 41 का आंसर ए। विद द रिफरेंस टू द प्राइवेट फाइनेंस एडवाइजरी नेटवर्क PFAN कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारे पास है इट बिगेन होस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी इफिशियंसी पार्टनरशिप। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास सही है। इट आइडेंटिफाई द प्रोमिसिंग क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट एट एनी एंड अर्लियर स्टेज एंड प्रोवाइडिंग मेंटरिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ सूटेबल रिलेटेड बिजनेस प्लान। ये भी सही है। तो 1 and 2 आंसर हो गए बहुत। 46 हमारे पास क्या है? द पीस क्लोज ऑफ्टन सी इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच फॉलोइंग द इशू अंडर द डिस्कशन वर्ल्ड ट्रेड और WTO के बारे में बात चल रही है। तो फूड सिक्योरिटी डेवलपमेंट नेशंस के बारे में है पीस क्लोज। ठीक है, आंसर इसका ए। 45 पे चलते हैं। विच इज नोटेबल अबाउट द लेजेंसी ऑफ लॉर्ड रिपन? लॉर्ड रिपन के बारे में बात चलती है। ही हेल्प द ग्रोथ ऑफ लोकल बॉडीज लाइक म्यूनसिपल कम्युनिटीज इन टाउन एंड लोकल बोर्ड इन विलेज। सही है हमारे पास। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिनेशन ऑफ मसूरी टू इट इज हिंदू रूलर्स। ये भी सही है। इट इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी। गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। 1 and 2 आंसर हुआ 47 का। 48 में चलते हैं। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड्स UNICEF। 48 का। 49 पे हुआ। हाउ डज वर्ल्डली आर्ट फ्रॉम डिफर फ्रॉम द ट्राइबल आर्ट फॉर्म? से कैसे अलग है वर्ल्डली आर्ट? अनलाइक द अदर आर्ट्स द वर्ल्डली पेंट्स डू नॉट एम्प्लॉय रिलीजन आइकोलॉजिकली इज मोर सेकुलर आर्ट फॉर्म। ये हमारे पास है। डॉट्स एंड क्रोड लाइन्स आर नॉट यूज इन वर्ल्डली आर्ट। गलत है, करते हैं। ठीक है, वर्ल्डली पेंटिंग्स आर मोस्टली बाय द मैन। गलत है, मैन और वुमेन दोनों से होती हैं। वेयर एज द ट्राइबल पेंटिंग्स आर द वुमेन्स। गलत है हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास, सेकंड हमारे पास, सेकंड थर्ड गलत हुए। क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज अ ओशन ग्लेडर? ओशन ग्लेडर इज ऑटोनोमस एंड अनमैन्ड वाटर अंडर वाटर व्हीकल्स यूज फॉर ओशियन साइंस। 51 का आंसर है हमारे पास बी। ये है हमारे पास। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।